बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कल से होने वाली शदीद बर्फ़बारी का मंज़र आपके सामने। खुशहाली के बाद ये पहली बर्फ़बारी हुई है मरी में। ये इस वक्त मैं आपको बोरबंद से दिखा रहा हूँ। पाँव के नीचे ही है, इतनी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये है कि माशाल्लाह इसकी वजह से मौसम जो है वो बहुत खुशगवार हो चुका है। ठंड में इजाफ़ा हो चुका है, लेकिन जो खुश सर्दी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ थी वो अल्हम्दुलिल्लाह पिछली बारिश के साथ और इस बर्फ़बारी से तकरीबन वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये देखें, ये जो मंज़र है ये आप ऊपर पहाड़ों के टॉप पर भी देखें, काफ़ी नीचे तक बर्फ़ आई आई थोड़ी थोड़ी है, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड थी कि ये वैसे आती नहीं है इतना नीचे। ये आप देखें, बहुत नीचे तक क्लोज़ व्यू में आपको दिखा रहा हूँ। तो ये यहाँ पर पहाड़ों पर बर्फ़बारी आप देख सकते हैं, ये यूपिया वगैरह के पहाड़ों पर भी काफ़ी बर्फ़बारी हुई है और नीचे वाले इलाकों में। तो बर्फ़बारी माशाल्लाह इसकी वजह से जो है वो अभी तक मौसम ख़राब हुआ है। अब दूसरी स्पेल आ रहा था, लेकिन अभी फिर दोबारा ख़त्म हो चुका है और सूरज जो है वो हल्का हल्का सा जो है वो मुंह दिखा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद मज़ीद एक दो स्पेल्स यहाँ पर होंगे, क्योंकि जनवरी सारा खुश गया, दिसंबर सारा खुश गया, नवंबर सारा खुश गया, तो तीन माह के बाद चूँकि ये एक बर्फ़ हुई है, तो इसलिए ये बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश कर रही है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये बर्फ़ अभी तक उसी तरह से ज़मीन पर मौजूद है। तो जो लोग मरी की तरफ आ रहे हैं उनके लिए ये भी गुड न्यूज़ है कि रास्ते सारे ओपन हो चुके, किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस मौजूद नहीं है। ये देखें, अब ये एक बिल्डिंग के ऊपर का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये व्यू है सारा कि अभी तक बर्फ़ जो है माशाल्लाह काफ़ी, ये चेक करें तो ये है अपडेट अभी तक की। मज़ीद अभी थोड़ा थोड़ा फिर दोबारा जो है वो आ रहे हैं, ये देखें आ रही है, लेकिन उस तरह से कंप्लीट मुकम्मल तौर पर जो है वो अभी तक ये इतनी ही पड़ी है जी।